पे आपने देखा होगा कि ये संस्कृति मंत्रालय की टीम ने जो भी बेहतरीन प्रस्तुति हम सब के माध्यम से पॉसिबल है, संभव है, वो करने का प्रयास किया। हमारे सभी विभाग और सभी लोग इन सब कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं। और सबसे जो सुंदर चित्रण है वो ये है कि पराक्रम दिवस, जो कि आज शाम 23 जनवरी, जो कि हम सब जानते हैं कि जन्मदिन है, जन्म दिवस है सुभाष चंद्र बोस का, और 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। और तब से अब तक हम लगातार इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और ये सप्ताह स्पेसिफिकली 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का दिन इस देश के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इसी समय पर गणतंत्र दिवस भी रहता है, इसमें गांधी जी की बलिदान दिवस भी रहता है और 31 जनवरी भी इसमें रहती है। तो ये सब दिन अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस सारे आयोजन में दिखाई दे रही है वो आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि देश की सभ्यता संस्कृति को आगे लेकर चलने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, और कहीं ना कहीं उसको आज़ादी के बाद नकारने का प्रयास हुआ और उसको सुदृढ़ करने का प्रयास अभी की सरकार ने किया। और जिस अनंत सूत्र की हम बात कर रहे हैं, वो अनंत सूत्र चाहे आप सामाजिक रूप से देखें और चाहे आप सांस्कृतिक रूप से देखें, चाहे देश की एकता और अखंडता के रूप में देखें, उस सूत्र को मजबूत करने का काम इस देश के जनमानस ने किया। तो अनंत सूत्र जो एग्जीबिशन का नाम दिया गया है वही अपने आप में बहुत गहरा मायने रखता है, बहुत गहरा उसका मतलब है। और जो दूसरा कार्यक्रम जिसका जिक्र संध्या परेचा जी ने किया और उसका नाम आह्वान दिया गया है, तो देश की, विकसित भारत की और आत्मनिर्भरता की जो यात्रा शुरू हो चली है, और उस यात्रा में देश ने अमृत महोत्सव भी मनाया है, और अब जब अमृत काल शुरू हो चुका है तो उस अमृत काल में 75वां गणतंत्र दिवस भी एक पहला ऐसा बड़ा आयोजन होगा जो अमृत काल का आह्वान कर रहा है। और उस आह्वान में इस देश का हर जनमानस, इस देश की परंपरा, इस देश की प्रेरणा, हमारी समृद्ध विरासत हो और उस विरासत पर गर्व करते हुए गुलामी की हर जंजीर को हम तोड़ सके, इस कामना के साथ आह्वान को परिदर्शित किया जाएगा। और आह्वान के माध्यम से जब आप 1500 से अधिक महिलाओं की प्रस्तुति कर्तव्य पथ पर देखेंगे तो आपके मन में ये विचार जरूर कौंधेगा कि ये वही पथ है जिसको एक समय पर राजपथ का नाम दिया गया था, और राजपथ का परिवर्तन आज कर्तव्य पथ के रूप में हो चुका है, और हर व्यक्ति अपने अधिकारों से हटकर अपने कर्तव्य को परायण बनाकर देश की एकता अखंडता के लिए कार्यरत है। वंदे भारत, ये सब कार्यक्रम, ये सब हम सब की अनुभूति, हम सब की प्रेरणा जो है वो भारत माता है, और उस भारत माता को जिसको हम सब वंदनीय मानते हैं, तो वंदे भारत नाम से ही समझ आता है कि इसके पीछे का जो आशय है वो क्या है। और भारत के लोकतंत्र की जननी, तो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी मन में, तो मजाक के रूप में कुछ बात संदेश जरूर कहना देना चाहती हूँ कि जब जोशी जी ने बात की